2019 में 2014 की तरह ही उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड लहर थी। चुनाव की तारीख आने के बाद से वोटिंग के लिए लाइनों में लगी जनता के दिमाग में एक बात चल रही थी कि नरेंद्र मोदी को कम से कम 10 साल तो दिए जाए। फिर जब नतीजा आए तो उत्तराखंड से दूसरी बार बीजेपी को पूरी की पूरी सीटें मिल गई। लेकिन इस चुनाव में एक ऐसी सीट थी जो नतीजों के बाद खूब सुर्खियों में आई। इसका कारण था कि इस सीट पर हार जीत का मार्जिन सबसे कम था। यह सीट अल्मोड़ा संसदीय सीट थी। इस सीट के अंदर उत्तराखंड के चार जिले आते हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत। और आज मैं इन सीटों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि यहां से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी, कौन कहां से कितने वोटों से आगे रहा था और इस बार 2024 के चुनाव को लेकर यहां क्या माहौल है। तो सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर जिले की, कपकोट और बागेश्वर दोनों विधानसभाओं की। तो कपकोट विधानसभा की बात करते हैं तो यह विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की विधानसभा रही है और 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अजय टमटा को यहां से 26,159 वोट मिले, कांग्रेस के प्रदीप टमटा को 19,508 वोट मिले। बीजेपी और कांग्रेस में यहां से 6,661 वोट का अंतर रहा, यानी बीजेपी जो थी वो करीब 6,500 से यहां से आगे रही। अब बात करते हैं बागेश्वर जिले की दूसरी विधानसभा यानी बागेश्वर विधानसभा की। इस विधानसभा से बीजेपी कपकोट के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई दी। यहां से 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के अजय टमटा को 33,890 वोट मिले, कांग्रेस के प्रदीप टमटा को 22,397 वोट मिले, यानी यहां से बीजेपी कांग्रेस से 11,493 वोट से आगे रही। यानी कपकोट की अगर बात करें तो कपकोट से कहीं ज़्यादा वोट बागेश्वर विधानसभा से बीजेपी को मिले। तो वहीं अगर 2014 में पूरे बागेश्वर जिले की बात करें तो यहां से बीजेपी को 18,154 वोट ज़्यादा मिले थे कांग्रेस के मुकाबले, हालांकि ये नंबर दूसरे जिलों के मुकाबले कम था। अब 2019 लोकसभा की बात करते हैं, इस चुनाव में बीजेपी को 2014 के मुकाबले ज़्यादा समर्थन मिला कपकोट विधानसभा से। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी जो थे अजय टमटा को, उन्हें 33,660 वोट मिले थे। वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा की बात करें तो उन्हें 17,326 वोट मिले, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी अजय टमटा कांग्रेस के प्रत्याशी से 16,281 वोट से आगे रहे थे। तो देखा आपने 2014 में कपकोट विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस में केवल 6,500 का गैप था, जो 2019 में 16,000 का हो गया, यानी 3 गुना ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस इलाके में 3 गुनी ज़्यादा दिखाई दी। वहीं बागेश्वर विधानसभा की बात करें तो बागेश्वर विधानसभा से 2019 में बीजेपी के अजय टमटा को 42,199 वोट मिले थे, कांग्रेस के प्रदीप टमटा को 19,226 वोट मिले थे और बीजेपी और कांग्रेस का जो अंतर था यहां से 22,773 वोटों का हो गया था, यानी बीजेपी के प्रत्याशी को कांग्रेस से 22,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी को 2014 में कपकोट की तरह ही यहां से भी 2 गुने वोट मिले थे। तो अब बात करते हैं इस बार का माहौल क्या है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम हुआ है। अगर चुनाव में नेशनल मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे तो कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के क्या दावे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। पहले आपको दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता शिव सिंह बिष्ट की हम बात सुनाते हैं। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हाल ही में मिला है, उनकी बात सुनिए। मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है और हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम लोगों ने पूरी लोकसभा की तैयारी हमारी पार्टी ने कर रखी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा को पुनः भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के करे गए कार्य हैं वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा करे गए कार्य हैं और उन कार्यों के बदौलत उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता को, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो इस सबको पता है कि जनता पसंद भी करती है और जनता के लोकप्रिय नेता भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और मैं मानता हूँ कि हमारी लोकसभा सीट पुनः, इसको पिछली बार तो विगत वर्ष से 2 गुनी वोटों से हम ये लोकसभा भी जीतने वाले हैं। अब आपको बागेश्वर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगत सिंह डसीला की बात सुनाते हैं। कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस बार वह कुछ नतीजों में कुछ बड़ा उलटफेर करेगी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
को जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ ही समय पहले हमारे बीच में एक उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, आपने देखा होगा कि बहुत करीबी टक्कर में हम लोग जो है उस चुनाव को, चाहे हम हारे लेकिन जनता ने हमारा जो है, हम लोगों ने जनता का दिल जीता। और निश्चित तौर पर हम ये लोकसभा की तैयारी में जो हम लगे हुए हैं, हमारे बूथ कमेटियाँ और हमारे न्याय पंचायत और हमारे ब्लॉक वाइज से हमारे सारे लोग तटस्थ रूप से अपने अपने बूथों में और अपने अपने पंचायतों में और उसमें तटस्थ रूप से खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम इस लोकसभा के चुनाव को जीतने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा इस समाज में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति रंग दे करके, धर्म का रंग दे करके और तमाम भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से विकास कार्य जो रुके हुए हैं इस देश के, आपने देखे होंगे, तो इस प्रकार से जो है इस के खिलाफ जो है यहाँ की जो जनता है, भारतवर्ष की जो जनता है, उसके खिलाफ मतदान जाके करेगी। और निश्चित तौर पर हम 2024 में लोकसभा में अपना परचम लहराएंगे। और जैसे कि आपने देखा कि हम 26 गुटों के माध्यम से हम जो इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है, उसके माध्यम से हम जो है निश्चित तौर पर हम जो है इस 24 के चुनाव को फतह करेंगे। और विपक्ष के लोगों ने, जो लोग कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, उन्होंने 38 गुटों को साथ में लेकर के, जिनके कई गुटों के तो सांसद भी नहीं, उन लोगों ने जो है 2024 की तैयारी में वो लोग खड़े हैं। लेकिन आप देखिए जनता का रुख ये है कि जो इंडिया अलायंस है उसको निश्चित तौर पर विजयी बना करके 2024 में जो है केंद्र सरकार में काबिज करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं है। बीजेपी के पास पीएम मोदी के रूप में बड़ा चेहरा है, मजबूत संगठन है और कांग्रेस इन दोनों में ही कमजोर है। ऐसे में बागेश्वर जिले से संभावना बीजेपी के ही पक्ष में ज्यादा जा रही है। इस सीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट आपके लिए बागेश्वर से जगदीश पांडे ने भेजी है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। देखते रहिए उत्तराखंड तक।